से 20 दिन का हम देते हैं टाइम। अच्छा। अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट आता है तो हम यहाँ बना के देते हैं। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा एक हाई सॉन्ग खड़ी है। यस, 1,50,000 रुपये इसका। 145। यस, ये प्राइस रहता है कितना, मतलब लोन भर सकते? 50% लोन कर दें यहाँ पे। इसका 1,30,000 रुपये। आप किसी को भी लेकर आओ, फुल चेक करके लेकर जाओ। मेस्ट्रो में वो 40,000 है, ये 55,000 है। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका डिजिटल वर्ल्ड में और आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे। आज मैं फिर ले आपके लिए नई और इंटरेक्टिव वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख लिया है तो मैं आपको पता है कि मैं मोस्ट डिमांडिंग कंटेंट लाते रहता हूं अपने चैनल पे और बहुत से लोगों को पसंद भी आता है और बहुत से लोग मतलब कमेंट भी करते हैं। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलता भाई लोग, आप लोग देखते हो, देख करके छोड़ देते हो, तो लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। तो आज मैं आपके मतलब जो आप लोग चाहते हो वही कंटेंट लाना चाहता हूं मैं, और मैं वही लेके आके भी आता हूं। तो आज मैं आ चुका हूँ नाना पुंडा, जो कि न्यू मोटो के नाम से ये शोरूम है और यहाँ पे कलेक्शन देख लो आप, पल्सर से लेकर के KTM से लेकर के और बुलेट से लेकर के सारी बाइकें यहाँ पे आपको कम प्राइस में देखने को मिलती है। और यहाँ पे जितना आप सोचते हो, बहुत से लोगों की बजट बहुत कम रहती है और दिवाली के टाइम पर जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं नई कंडीशन में और नई बाइक, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा ऑफर लेके आ चुका हूँ मैं और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस के साथ आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बुलाना चाहूँगा नवीन भाई का। बढ़िया, कैसा है अपना पास पूरा जितना भी कलेक्शन है सब फ्रेश न्यू कंडीशन है? फ्रेश न्यू एकदम, पूरी सर्विस के साथ। यहाँ पे लोन मिलता है? मिलेगा ना। कितना प्राइस रहता है, कितना मतलब लोन पर? 50% लोन करते हैं यहाँ पे। 50% मतलब गाड़ी का 1,40,000 दाम है तो 70,000 बना पड़ेगा, 65-70 तक भरवाते हैं। अच्छा, और यहाँ पे सर्विस में क्या मिलती है अपने पास? सर्विस में ऐसा है कि फुल सर्विस करके देते हैं और 15 से 20 दिन का हम देते हैं टाइम। अगर उसमें कुछ भी फॉल्ट आता है तो हम यहाँ बना के देते हैं। ठीक है, और अपने अभी अपने पास कितना पड़ा है स्टॉक में? स्टॉक में तो बहुत है, आप देख सकते हो, लेकिन तभी भी कितना काउंटिंग एज्यूम होगा ना? नहीं, काउंटिंग इतना है, आते जाते रहता है कोई ना। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक चीज़ देखा हूँ कि मतलब आते है गाड़ी और अगले दिन फिर निकल जाते हैं। आपको फ्रेश न्यू कंडीशन आप देख लो पूरा एकदम। ये RC 125 कब का है? ये 2021। इसका प्राइस कितना है? 1,40,000। और ड्यूक? ड्यूक है ये 2019 का है। 2019 का प्राइस? यस, 1,30,000। 1,30,000। एक और RC 125, ये सेम प्राइस है। अच्छा, सेम मॉडल भी है। और ये RC? ये है 2017 का है। अच्छा, और बाकी टायर का कंडीशन भी देख लो, 2017 कितना प्राइस इसका? इसका 1,30,000 रुपये। 1,30,000। और अपने पास ट्रांसफ़र करके स्टार्टिंग प्राइस कितना रहता है? स्टार्टिंग आप 20 से चालू कर सकते हैं।
20 से, जिसका बजट बहुत कम रहता है तो उसको मिल जाएगा? मिल जाएगा। और जो जिसका मतलब सुपर बाइक का शौकीन हो, जैसे R15 और RS थोड़ा सा पुराना हो लेकिन प्राइस कम हो, तो मिल जाएगा? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। और डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं भी रहा तो अरेंज भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगता है? आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है। और किसी को लोन कराना हो उसके लिए? आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और दो फोटो पासपोर्ट साइज, अगर वो नहीं हो तो लाइट बिल और रजिस्ट्रेशन कार्ड। ओके। और अगर कोई अदर स्टेट से अपना वीडियो देख रहा होगा, जैसे बाहर MP, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, तो उन लोगों के लिए क्या ले सकते हैं? उन लोग ले सकते हैं, लेकिन बाद में LIC कराना पड़ता है यहाँ का, लोकल का, उसमें फिर लाइट बिल लगता है, उससे फिर LIC निकाल कर उनके नाम पर अपने कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अपने पास कलेक्शन पल्सर सीरीज़ का है, तो यहाँ पे कितना प्राइस है? प्राइस है ये 2018 का है। ट्विन डिस्क है? 18 नहीं, 2020 होगा। 2020 है। हाँ, इसका 85 है। तो अगर आप आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि नईम भाई को उतना मतलब एकदम परफेक्शन नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा गाड़ी खड़ी है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। इसका कितना प्राइस होगा? इसका होगा 65 ये। और 220 का बता दीजिए, कौन सी वाली जो लगी है वहाँ पे, 3-4 लगी है ना? 85 और उसके आगे? वो 75 है, वो 2018 का मॉडल। 2018। और उसके आगे? उसके आगे है वो 2017 का, 16 या 17 का मॉडल। 16-17 वो आपको 65-70 तक मिल जाएगा। और बाकी कंडीशन आप देख सकते हैं लगातार, और बाकी है सब ट्यून डिस्क। और मैं ज़्यादा मतलब इसको कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उतना ज़्यादा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके लिए। थोड़ा सा यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक से। इसका कितना प्राइस है? इसका है 65,000 रुपया, 2017 का मॉडल है। अच्छा। और इसका? इसका है 45। 45। इसका? ये DD वाला है। ये DD वाले को हम कैसा करते हैं कि जो DN है सिल्वा से, दमन वाले हैं, उनके नाम पे ट्रांसफ़र करके देते हैं। ओके। और ये मतलब जो गाड़ी लेते हैं उन लोग को कंपलसरी रहता है नाम पे ट्रांसफ़र कराना? हाँ, ट्रांसफ़र कराना कंपलसरी। वो अपने से करवाते हैं कि आप खुद? नहीं, हम खुद करके देते हैं। खुद से? ये जो मैं प्राइस बोल रहा हूँ इसमें सब कुछ आ जाएगा। इंक्लूडेड है? हाँ, इंक्लूड है सब। ओके। और उसी के साथ में अपने पास NS सीरीज है, NS का कितना प्राइस है? NS का सब अलग अलग है, किसी का 65,000 है, किसी का 75,000 है। ये सब देसी ना, 200 ही है ना? एक ये 160 है, वो 200 है और ये 200 है। अच्छा। इसका प्राइस कितना है? इसका होगा आपको 70 तक मिल जाएगा। 70 तक। और उसका? उसका यही 80-85। कब का मॉडल रहता है ये? ये है 2017 का, वो 19 का। अच्छा। और 19 का देख लो प्राइस एकदम बिल्कुल कम, क्योंकि दिल्ली में भी मैं देखा हूँ, दिल्ली में भी 2019 मॉडल जो रहता है उसका 1 लाख दाम रखा जाता है, यहाँ पे आपको कम में देखने को मिल जाएगा। अब चमचमाती एक बुलेट अपने पास खड़ी है जो कि एकदम हॉट सेलिंग प्राइस और डिमांडिंग में रहती है। कितने सी सी? 500। कितना इसका प्राइस है? इसका 145। 145। ये जितनी भी यहाँ पे गाड़ियाँ है सब सेकंड ओनर है कि फर्स्ट ओनर है? फर्स्ट ओनर ऑलमोस्ट। सेकंड ओनर? कभी कभी सेकंड ओनर ऐसा निकलता है, जैसे कोई सीज करके लाते हैं गाड़ी, उसमें कोई सेकंड ओनर निकल आता है। अच्छा। बाकी मोस्ट ऑफ फर्स्ट ओनर ही है। और अगर मान लीजिए कोई आना चाहता है, और बहुत से लोगों के मतलब मन में डाउट रहता है कि सेकंड हैंड गाड़ी लेने जा रहे हैं तो देख पाएंगे कि नहीं, अच्छा रहेगा कि नहीं, तो अगर वो मैकेनिक लेके आएगा तो चलेगा? सब चलेगा, आप किसी को भी लेकर फुल चेक करके लेकर, कोई दिक्कत नहीं। और 20 दिन का पूरा गारंटी है कि जो भी होगा वो हम चेक करेंगे। और इसी के साथ में ये है 2018 का मॉडल, 1,40,000 रुपये। 1,40,000 इसका? वो 2021 का। उसका कौन सा ये? 125। 125। इसका प्राइस? इसका भी 1,40,000। अच्छा। और BS4 में और BS6 में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से, कौन सा अच्छा है? अभी तो ये तो यूज़ करने के ऊपर अपने डिपेंड है, माइलेज के लिए तो ज़्यादा वही है। अब यहाँ पे अपने पास ज़्यादा मतलब गरीबों की हायाबूसा, मतलब मिडिल क्लास की हायाबूसा बोला जाता है इसे, तो इसका प्राइस कितना है? इसका 1,40,000 है। तो 1,40,000 में कौन सा मॉडल है? ये 2021 का। अच्छा। और ये कितना बहुत कम किलोमीटर भी चली गई है, तो ठीक है। इसके बाद में अब देख लो यहाँ पे एक अपने पास सुपर बाइक खड़ी है जो कि मतलब जो बिगनर्स है और जो लोग सुपर बाइक का शौकीन है तो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा एक हाईसोंग खड़ी है। यस। 1,50,000। 1,00,000। कब का गाड़ी है ये? 2017 का है। 2017। कितने CC की गाड़ी है ये? 250। 250 CC की। यस। अब इसी के साथ में अपने पास FZ सीरीज़ देख लो, बहुत से लोगों की डिमांड आती है कि 2014 मॉडल दिखाओ, 15 मॉडल दिखाओ। अब एक बार मैं आपको दिखा दूँ, ये शुरू से एक बार बता दीजिए आप थोड़ा दाम। वो लास्ट वाली वो 65,000 है। हाँ। उसके बाजू वाली भी 65,000 है, बाद में 70,000 है। हाँ। बाद में 75। हाँ। और ये 1,00,000 रुपये है। 1,00,000 रुपये। ये कब? हाँ। का मॉडल है ये? 2020-21 का। और उसके पहले जो आपने बताया 65, वो कितने कब का मॉडल रहता है? वो होगा 17-18 के पास होगा। 17-18। अब उसी के बाद में स्कूटी के ऊपर मैं थोड़ा सा नज़र मार देते हैं। ये देख लीजिए वेस्पा एक खड़ी है वहाँ पे और एक्टिवा खड़ी है, तो कितना प्राइस है उसका? एक्टिवा उसका है 63,000।
उसका है 45,000 ब्लैक वाली का। इसका है 55,000 5G का। हाँ ये वाला ओके। और इसका ये 2021 का है, 2021 का इसका 70,000 है। 70,000 अभी नया का है ना, 1.5 लाख के पास चल रहा है। ओके ये वास्पा का। हाँ हाँ वो तो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गई है। अब यहाँ पे FZ सीरीज अपने पास खड़ी है। FZ कब क्या ये मॉडल है? FZ ये भी 2021 का ही होगा। 20 कितना प्राइस इसका? यही 95-1 लाख नाइस पास है। और एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा जब आप कॉल करेंगे और मतलब यहाँ पे विजिट करेंगे तब आपको एकदम अच्छे से डील किया जाएगा। और अगर आप ऑन टेबल में आते हैं गाड़ी लेने के लिए तो आपको पूरा ही डील किया जाएगा। उसी के साथ में एक और एग्जैक्ट खड़ी है, आप देख लो कितना प्राइस उसका। उसका होगा ये 80,000 होगा। 80,000। और उसी के साथ में बगल में देख लो हार्ले डेविडसन खड़ी है। हार्ले डेविडसन एवेंजर को मॉडिफाई करते हैं हार्ले डेविडसन में। अच्छा बाकी ये देख लो, लगातार मैं आपको दिखा दूँ एक बार, वहाँ से झलक मार लो पूरा एकदम वहाँ तक सीरीज लगा हुआ है, लेकिन मैं वो पूरा कवर नहीं करूँगा उतना ज़्यादा, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे आ जाओ तो आपको मैं एक बार दिखा दूँ, यहाँ से स्टॉक हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये अपने पास ड्यूक कौन सी खड़ी है? ड्यूक क्या है ना, ड्यूक 200 है। इसका प्राइस? इसका प्राइस है 70,000। 70,000 कब का मॉडल है ये? होगा 14-15 का होगा। 14-15 का है। 75,000 में काफ़ी अच्छा डील आपको मिल रहा है। तो ये बहुत जल्दी मतलब गाड़ी यहाँ पे आती है और सेल हो जाती है, तो जल्दी से आओ और मौके का फ़ायदा उठाओ। एक और अपने पास MT खड़ी है, इसका प्राइस? इसका 140। 140 कब का मॉडल है? ये 2021 का। एकदम बिल्कुल नया टायर लग रहा है इसमें। और अभी एक और R15 खड़ी है, इसका प्राइस? इसका 1,33,000 2018 BS4 है ना? BS4। ओके इसी के साथ में एक और आ जाते हैं R15, इसका कितना प्राइस? ये 2021 का है, 1,50,000। 1,50,000 ये कब का मॉडल बोले? 2021 का। BS6 है? हाँ BS6। ओके ये 2019 नहीं, ये 2018 का है। ये 18 का लास्ट का गाड़ी है। तो इसका प्राइस कितना है? इसका 1,20 है। 1,20 इसी के साथ में इसका? इसका 1,35,000। 1,35,000। और एक और R15 इसका? इसका भी 1,30,000। 1,30,000 होगा। 1,30,000 कब का मॉडल है? ये 18-19 का होगा, 19 का शायद। ओके और इसी के साथ में आपके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस अब आ गए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आके यहाँ पे जल्दी से फ़ायदा उठाएं वरना ये निकल जाएगा। और स्टेप यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। बाकी देख लो यहाँ पे पीछे में भी बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी है। उसके पहले यहाँ पे R15 कितना प्राइस? इसका है 50,000। ये V2 है। ओके और इसका? इसका है 35,000। 35,000 दोनों का? नहीं नहीं ये अलग है, ये नया है। अच्छा इसका कितना प्राइस है? इसका 75,000। 75,000 और उसी के साथ में दो पल्सर खड़ी है, 3-4। इसका? इसका ये 55 के आसपास। अच्छा अब यहाँ से आप देख लो कि यहाँ पे ड्यू सर्विस करना बाकी है, उसका एप्रोक्सी बोल सकते हैं। तो मतलब जितने भी गाड़ियाँ आती है तो सब में सिर्फ ये ऊपर से मतलब चमका करके दिया जाता है, मीटर बैक करके दिया जाता है। अगर किसी को ऐसा डाउट होगा तो वो अपने लिए मैकेनिक तो लेके आ ही सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या अपने साथ भी चेक कर सकते हैं? सब चेक कर सकते हैं। ओके और कंपनी से भी चेक करा सकते हैं। एक और अपने पास ड्यूक 125 खड़ी है, तो ये देख लो इसका कंडीशन एकदम मिंट कंडीशन में है। और इसका आपको मीटर भी दिखा दूं मैं एक बार। और ये ड्यूक 125 BS6 वाली है जो कि नई लॉन्च हुई थी और ये बहुत कम चली हुई गाड़ी है। कहाँ से देखते, देखो 12,000 सिर्फ चली हुई गाड़ी है, तो बहुत कम चली गाड़ी है। और कितना प्राइस इसका? इसका भी 140। 140 में। और इसका नए का प्राइस कितना है? नए के प्राइस 2 लाख ऊपर है। 2 लाख ऊपर, हाँ ये तो बात है। अब इसी के साथ में अब स्कूटियों पे सीरीज आ चुका है। उसके पहले एक NS 200 खड़ी है, इसका प्राइस? ये होगा आपको मिल जाएगी 75-80 तक। 75,000 यस। और इसका कब का मॉडल हुआ है? ये होगा 2018-19 का। 2018-19 का BS4 गाड़ी है और इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिमांड है क्योंकि अभी BS6 में तो एकदम कचड़ा कर दिया है। अब इसी के साथ में मेस्ट्रो कितना प्राइस है? मेस्ट्रो है वो 40,000 है, ये 55,000। ओके और इसी के साथ में ड्यूक इसका 40,000, ये इसका? इसका 55, इसका 55। ओके 2019 का मॉडल। पसीनो? पसीनो का है 45,000। और वहाँ पे एक बुलेट खड़ी है, बुलेट का है 130। 130 वाइट वाला की येलो वाला? नहीं नहीं वाइट वाला। वाइट वाला और येलो वाले का? येलो वाले का है 60,000। 60,000 तो बाकी यहाँ पे और भी मतलब देख लो स्टॉक, मैंने ये पूरा कवर नहीं किया, अभी थोड़ा सा ही कवर किया। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी आते रहते हैं और चले जाते हैं, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत जल्द आना और इसका फ़ायदा उठाना क्योंकि दिवाली आ चुकी है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और स्पेशल थैंक देना चाहूँगा न्यू ऑटो जिन्होंने हमें अपनी बाइक प्रोवाइड की वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो में से लाते रहूँगा। तो मिलेंगे एक न्यू डिस्कशन में। टिल देन बाय बाय, राइट से स्टे ट्यून्ड। जय हिंद जय भारत।
और इसका अपना बता दीजिए एड्रेस। न्यू ऑटो है, नाना पोंडा है, वापी रोड पे, आप बोलेंगे स्वामीनारायण टेम्पल के आसपास ही है। ओके, तो ये नाना पोंडा में आके, और यहाँ पे आप देख लो एरिया भी, आपको मैं बाहर से एक बार लुक दिखा दूँगा उसका, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। तो मैं स्पेशल देना है, थैंक्स देना चाहूँगा नईम भाई का, थैंक यू।